अभी अपन लैपटॉप फैब्रिकेशन का काम देखते हैं, कैसे लैपटॉप फैब्रिकेशन होता है लैपटॉप में। अपन लैपटॉप फैब्रिकेशन के लिए फैब्रिकेशन ये फैब्रिकेशन पाउडर लगता है, ट्वीज़र, कटर, स्क्रू ड्राइवर, और एक कटर लगता है। ये लैपटॉप में ये फैब्रिकेशन बॉडी टूटी हुई है, वो कैसे फैब्रिकेशन करें हम आपको दिखाते हैं। लैपटॉप फैब्रिकेशन करना है, पहले लैपटॉप में से बैटरी निकाले, एचडी स्किन के ऊपर जो स्क्रू रहते हैं उसे पहले निकालो। ये यहाँ से बॉडी में से हिंज निकला हुआ है, वो हिंज का फैब्रिकेशन कैसे करते हैं अभी हम ये काम शुरू करते हैं। बोलो, उसके पहले हम लोग को पूरा स्क्रीन निकालना पड़ेगा। फैब्रिकेशन ऐसा होना चाहिए, हिंज टूटा हुआ है, बॉडी में से निकल गया हुआ है, इसे अपन फैब्रिकेशन करेंगे। डाल दिया।
करिए। अभी निकाल के वापस तीनों को निकाल, ये फैब्रिकेशन पाउडर नट के आजू डालना है। और नट के अंदर इसको लगाने से जो पाउडर है नट के अंदर नहीं चले जाए, पाउडर लगाने डालने के बाद फैब्रिकेशन पाउडर में फैब्रिकेशन लिक्विड वो पाउडर के ऊपर डालने से लिक्विड है जो पाउडर पे रखना है डालना है। लिक्विड पाउडर से गिरने से बॉडी और नट प्लास्टिक मजबूत बैठ जाते हैं। 5-10 मिनट में नट और बॉडी का फैब्रिकेशन हो जाएगा। ये हिंच जाम हो जाने की वजह से लैपटॉप का बॉडी में फैब्रिकेशन टूटने का संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए ये हिंच जाम हो गया इसे लूज़ करना है। ये देखो इतना टाइट है, हाथ से भी नहीं घूम रहा है। इसको लूज़ करने के लिए ये दोनों पार्ट्स ठोकने के बाद अलग हो जाते हैं, फिर इसको WD-40 से स्प्रे मारो। थोड़ा स्प्रे मारने के बाद ये ग्रीस है, ये ग्रीस थोड़ा अंदर डालो। ग्रीस डालने के बाद इसको वापस फिट किए, इससे आपका ये हिंच लूज हो जाता है और वापस बॉडी टूटने का चांस नहीं होता है। ओके, अभी हाथ से आसानी से घूम रहा है और थोड़ी देर के बाद उसको लैपटॉप और बॉडी में फैब्रिकेशन करने के बाद उसको फिट कर दिए। बराबर, ये अभी आपका ये हिंच है जिसको ग्रीस लगा के लूज किया हुआ है। अभी ये हिंच को, ये जो नट लगा हुआ है, ये नट निकाल के वो हिंच को फिट करेंगे। बॉडी में फैब्रिकेशन हो चुका है, भी नट निकाल रहे हैं। अभी एक आप देखती हूँ, अभी देखो पहले ये सब पार्ट टूटा हुआ था, अभी नट बॉडी के अंदर फैब्रिकेशन हो चुका है। ये सब ओरिजिनल मोल्डिंग लगा से लग रहा है आपने को, बराबर है। अभी इसके अंदर हम हिंच फिट कर रहे हैं, जैसे ओरिजिनल कंडीशन में हो जाएगा। ये आपका हिंच को पैनल के अंदर फिट कर रहे हैं और आपका ये हिंच बॉडी में लगा के रेडी हो चुका है। अब इसके पे ढक्कन लगा, इसके पे फ्रेम लगा के आपका
फैब्रिकेशन और लैपटॉप का हिंज रेडी हो जाएगा। तो ये आपका लैपटॉप का फैब्रिकेशन इंच के साथ रेडी हो चुका है और इसको आप अभी नीचे वाले बेस में फिट कर सकते हैं। स्टार्ट। लैपटॉप एप्लीकेशन रेडी है।